आप अपना परिचय देंगे सर? मेरा नाम विवेक कुमार हुआ जी, राइजिंग एकेडमी जो है वहाँ के प्रिंसिपल हुए जी। तो सर उस दिन गया था तो आपका स्कूल खुला था, लेकिन 10 जनवरी को, और आज 12 जनवरी है जी। और आपका स्कूल, हम लोग गए वहाँ के ग्रामीण बताया कि स्कूल बंद है, आपका स्कूल बन जा रहा है, तो उस दिन सर क्यों खुला था, इसके विषय में कुछ जानकारी हम चाहेंगे। सर ऐसा हुआ क्या कि हम वहाँ थे नहीं, बाहर निकले हुए थे, ठीक है, और हम अपने स्टाफ को ये सूचना दिए हुए थे कि ताकि स्कूल बंद रखना है जी, और डीएम के आदेश के अनुसार 8 तारीख तक बंद ही था, और उसके बाद जो है खुला ना, हम छुट्टी करवाने वाले पहुँचे ही थे, इसी बीच तब तक आप लोग आ गए और तुरंत छुट्टी करने के उद्देश्य से ही पहुँचे हुए थे। अच्छा, बाहर थे आप। और ये मिस्टेक जो है स्टाफ की कन्फ्यूजन के कारण हुआ। अच्छा, तो आगे से आप किस तरह से करने वाले हैं, कि सरकार के आदेश को मानने वाले हैं? नहीं तो शुरू से मान ही रहे हैं, अभी भी मान रहे हैं। अच्छा, अच्छा। और सरकार के जिस तरह गाइडलाइन है, सरकार के विरुद्ध हम लोग थोड़ी है ना। बिल्कुल सही बात ना, जिस तरह गाइडलाइन है उस तरह गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है, शुरू से भी किया है, आज भी कर रहे हैं, और भविष्य में जो है जिस तरह गाइडलाइन आएगा उस तरह उसका पालन किया जाएगा जी। सिटी न्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। मुजफ्फरपुर जिला के साहेबगंज प्रखंड में सरैया पंचायत के नीरपुर चौक स्थित राइजिंग एकेडमी एंड कोचिंग के प्रिंसिपल विवेक कुमार ने बताया, हम लोग कोविड गाइडलाइन एवं सरकार के आदेश का पालन हमेशा किए हैं और आगे भी करते रहेंगे, और जब तक बिहार सरकार का आदेश नहीं होगा तब तक स्कूल बंद रखेंगे। राइजिंग एकेडमी एंड कोचिंग के परिसर में उपस्थित ग्रामीणों से हमारी बातचीत हुई, देखिए ये रिपोर्ट। राइजिंग एकेडमी एंड कोचिंग जो है, उस दिन हम लोग आए थे लगभग दिनांक 10 जनवरी 2022 को, तो यहाँ पे स्कूल इनकी खुली हुई थी, और यहाँ पे अभी उसके प्रांगण में ही हम लोग हैं राइजिंग एकेडमी के। तो एक ग्रामीण हमारे सामने उपस्थित है, आपका नाम क्या हुआ भैया? राजा कुमार तिवारी सर। कहाँ घर है आपका? नीरपुर। नीरपुर प्रॉपर, नीरपुर ही में? प्रॉपर नीरपुर जी। तो राइजिंग एकेडमी 10 जनवरी 2022 को खुली थी, और आज कितना तारीख है? बारह तारीख है, 12 जनवरी 2022। आज स्कूल बंद है, उसके बाद स्कूल बंद होने लगा या स्कूल फिर खुला भी है बीच में? नहीं नहीं, खुला नहीं है, उस दिन से मानिए तो बंदे चल रहा है। बंदे चल रहा है, बंदे है। अगर आपके क्षेत्र की कोई भी स्कूल अगर खुले कोरोना के नियम का और सरकार के जो है आदेश का उल्लंघन करें, तो आप सूचना हमको जरूर देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दिनांक 10 जनवरी 2022 को आए थे तो स्कूल खुला हुआ पाया गया था, लेकिन आज हमारी टीम इधर फिर आई थी ये चेक करने के लिए कि वाकई में ये लोग स्कूल बंद कर रहे हैं या स्कूल खोल रखे हैं। तो हम लोग आए तो देखे कि यहाँ पे स्कूल इनका बंद पाया गया है। राइजिंग पब्लिक स्कूल जो है, राइजिंग एकेडमी जो है, ताला लॉक है, बंद है, और हमारी टीम जो है लगातार कोरोना को लेकर सभी स्कूल वालों को और सभी प्राइवेट संस्थान जो भी हैं और आम नागरिक से भी रिक्वेस्ट करती है कि आप लोग कोरोना प्रोटोकॉल के नियम का पालन करें और दूरी बनाए रखें, और जो है कि आप लोग मास्क सैनिटाइज़र का उपयोग करें। और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ टुडे लाइव, हमारे न्यूज़ को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।